hello friends today we are discuss about the nutrition in the bacteria in this video I am sharing a handwritten notes with the help of that you need to write all the topics within your notebook fair notebook okay so here is some basic concept hai that I am going to explain and then after we are going to move in the main topic right so as I told you in a higher plants those having a chlorophyll एज अ पिगमेंट इन दर बॉडी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस तो यहाँ पे जो हायर प्लांट्स है उसकी बात करें तो उसमें आई कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच इज़ अ हायर प्लांट विच हैविंग अ पिगमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड एंड दैट इज अ क्लोरोफिल इट इज़ अ पिगमेंट विच इज़ ग्रीन इन कलर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द सन लाइट प्लांट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड एंड यूटिलाइज द वॉटर

जिसकी प्रेजेंस में दे सिंथेसाइज C6H12O6 सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स मतलब इन्होंने ग्लूकोज यहाँ पे बना दिया और अलोंग विद दैट उन्होंने रिलीज किया यहाँ पे ओ टू को एज़ यू नो माय डियर स्टूडेंट्स हियर दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन सो दिस प्रोसेस ऑफ द फोटो इट इज़ नॉन एज द ऑक्सीजेनिक प्रोसेस इसको हम लोग ऑक्सीजेनिक प्रोसेस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे O2 है वो लिबरेट हो रहा है ओके सेम प्रोसीजर अगर मैं बैक्टीरिया के अंदर बात करूँ तो उनके पास थोड़ा डिफरेंट मैथड है और क्योंकि मैंने बताया था कि यूकेरियोट्स के अंदर वाटर को वो रिड्यूस करके एनर्जी गेन करते हैं और वाटर को एज अ हाइड्रोजन सोर्स मतलब उसका हाइड्रोजन सोर्स है वो वाटर है ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर वाइस स्टूडेंट वो लोग वाटर को इस्तेमाल नहीं करते हैं बट इंस्टेड ऑफ दैट दे आर यूजिंग सम अदर इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल नहीं है पर दूसरा है ओके okay? चलो तो हाउ दिस प्रोसेस इज़ अकर एक्चुअली ऐसे कैंड के बैक्टीरिया है मोस्टली हम लोगों को पानी में मिलते हैं तो चलो मेरे पास नोट्स है वो नोट्स थ्रू हम लोग न्यूट्रिशन प्रोसेस को देख लेते हैं

जिसके इस्तेमाल से वो फूड को सिंथेसाइज़ करते हैं दिस बैक्टीरिया आर फाउंड इन द सॉइल एंड दैट्स वाई दे आर नॉन एज द फोटो लीथो ट्रॉफिक फोटो मीन्स दे नीड्स द लाइट इसीलिए फोटो लिथो मीन्स दे आर लिविंग इन द सॉइल एंड ट्रॉफिक मीन्स दे आर शोविंग अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे दो काइंड के बैक्टीरिया है एक है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड दूसरा है ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया वॉट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू बैक्टीरिया सो यहाँ पे पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया जो है उनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो बैक्टीरियो पुरपुराइन है एज अ पिगमेंट और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियो व्रीडिन है एज अ पिगमेंट ओके दूसरी बात है कि जो पर्पल सर्फो बैक्टीरिया है वो इलेक्ट्रॉन डोनर के फॉर्म में दोनों में ही पानी तो यूज़ नहीं हो रहा है पर दोनों में जो इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है उसमें पर्पल सर्फो बैक्टीरिया, इसके अंदर एच टू एस ओ फोर इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा और ग्रीन, का मे आ, और, आ, और, आ, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा फाइन चलो दो थर्ड मेजर डिवीजन और द डिफरेंस इज दैट कि यहाँ पे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है वो क्रोमेशियम एंड थापाइरिलियम है और हीट्रो सॉरी और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में एग्जाम्पल है क्लोरोबियम वो बैक्टीरिया है कि जो फूड को सिंथेसाइज करते हैं मैंने आगे की वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि हाइड्रोजन को वो लोग क्या करेंगे एज ए इलेक्ट्रॉन डॉनर इस्तेमाल करेंगे या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि उसका ऑक्सीडेशन करेंगे और यहाँ पे क्योंकि वो सल्फ़र को रिलीज़ कर रहा है तो यहाँ पर दे आर रिड्यूजिंग मतलब रिड्यूजिंग पावर का इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन को रिमूव करके उसको ज्वाइन कर दिया जाएगा सीओ के साथ तो यहाँ पे सिंथेसाइज देयर फूड एंड यहाँ पे उन्होंने क्या, क्या? किया सल्फर को रिमूव किया राइट चलो दूसरे बैक्टीरिया है वो भी फोटो है दैट आर गेटिंग देयर एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर लाइट की प्रेजेंस तो चाहिए इसीलिए उसको फोटो बोला पर ऑर्गेनो ट्रॉफिक ऑर्गेनो ट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि वो कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इस्तेमाल करेंगे एनर्जी सोर्स के फॉर्म में जो पहले वाले थे वो भी बैक्टीरिया लाइट को इस्तेमाल करेंगे पर वो लोग एच टू एस ओ फोर एच टू एस ऐसे सब्सटेंस में से अपना एनर्जी है वो गेन करेंगे और या फिर ऐसे फॉर्म में जब हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन डॉनर मतलब इलेक्ट्रॉन जब रिसीव करेंगे एच टू एस या एच टू एस ओ फोर से तो वो एनर्जी जो मिलती है उसका वो लोग यूटिलाइजेशन फूड सिंथेसिस में करते हैं लाइकवाइज यहाँ पे जो फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो डेड एंड डिकंग मैटर्स है वो डेड मैटर्स के ऊपर एक्ट करके क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जो चीज़ें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बेसिकली बनी होती है उसको ऑर्गेनिक मैटर्स बोलते हैं उसके ऊपर एक्ट करके वो लोग अपना इलेक्ट्रॉन है वो रिसीव करते हैं या फिर आप सिंपली ऐसा भी कह सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनिक मैटर को जब वो तोड़ेंगे या फिर उसमें से वो लोग इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे जिससे उनको क्या मिलेगी एनर्जी मिलेगी आपको एक बात अच्छे से याद रख लेनी है जैसे ही आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है बेसिक कंसेप्ट कि कोई भी मेटल है जब वो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है तो एक्चुअली में वो ट्रांसफर करता है एनर्जी को और जो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन उसको वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो मिलती है ओके सो फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक अगेन इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू वाइड कैटेगरी दैट इज़ पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फ़ो बैक्टीरिया ओके तो जो पर्पल नॉन सल्फ़ो बैक्टीरिया है उसके अंदर जो पिगमेंट होते हैं वो है बैक्टेरियो प्राइन और पर्पल ग्रीन नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया है उसके अंदर जो पिगमेंट है दैट इज़ द बैक्टेरियल व्रीडिंग ओके okay? यहाँ पे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का एग्ज़ाम्पल है रोडोस पायरीम एंड रोडोस यूडोमोनास एंड यहाँ पे जो ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया है उसके अंदर एग्ज़ाम्पल है क्लोरोनीमा एंड क्लोरोफ्लेक्सस ओके सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक थे फोटो जिसके अंदर वो लोग लाइट की प्रेजेंस में फूड को सिंथेसाइज करते थे पर यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स है वो एच या H2S टू है और यहाँ पे जो दूसरे है फोटो ऑर्गेनोट्रॉफिक वो भी फोटो ऑटोट्रॉफिक ही है पर यहाँ पे उनका जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो ऑर्गेनिक मैटर है ओके चलो नेक्स्ट वन हम लोग मूव करते हैं दैट इज़ अ केमो ओके तो कैमो ऑटोट्रॉफिक मतलब केमिकल का इस्तेमाल करते हैं फॉर द मूड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज द केमो चलो कौन से केमिकल फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे वो लोग दिस बैक्टीरिया विच ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम द वेरियस केमिकल विदाउट यूज ऑफ लाइट ये सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है केमो ओटोट्रॉप्स एंड फोटो ओटोट्रॉप्स फोटो जहाँ पे सनलाइट है वो एज अ सोर्स यूज़ किया जाता था फॉर द एनर्जी और एंड इन केमो ऑटोट्रॉप्स they utilize their energy or they uh, get their energy from the certain chemicals तो so, यहाँ पर मैंने कुछ example notes करे हुए हैं तो उसमें पहला है hydrogen bacteria hydrogen bacteria जो uh, hydrogen को इस्तेमाल करते हैं as a energy source that is the hydrogenomonas bacteria का नाम है दूसरा है जिसमें वो लोग NO2- टू माइनस एंड एनओ थ्री माइनस मतलब नाइट्रेट एंड नाइट्राइट को एज अ एनर्जी सोर्स के फॉर्म में क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैसिलस, नाइट्रोकोस नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसिस्टिक ओके मैंने इसके बारे में आपको डिस्कस किया था कि सॉइल के अंदर अमोनिया के फॉर्म में सब्सटेंस होंगे तो वो अमोनिया का जो फॉर्म होता है इसमें जैसे मैंने बताया था आपको कि अमोनिया का जो फॉर्म होता है वहाँ पे वो क्या करते हैं चलो फिर से एक बार रिपीट करके दिखा देती हूँ अमोनिया जो सॉइल के अंदर होता है उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसको रिमूव करके यहाँ पे वो ऑक्सीजन को डालेंगे तो उससे अमोनिया का कन्वर्जन एनओ टू माइनस एंड एन ओ थ्री माइनस में होगा ओके okay? और ये प्रोसीजर जब वो करते हैं मतलब जब वो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और यहाँ पे जब वो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो बाय दिस मीन दे गेट्स द एनर्जी उसको क्या मिलता है एनर्जी मिलता है ऐसे काइंड के बैक्टीरिया का एग्जाम्पल एज़ आई टोल्ड यू नाइट्रोसोमोनास क्योंकि यहाँ पे वो लोग नाइट्रोजन के रेसिड्यू के ऊपर एक्ट करने वाले हैं नाइट्रोसोमोनास या सिंगली एक मोनोफॉर्म में ही है दैट्स वाई नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसो बेसिलस आपको पता है बेसिलस मतलब रोड शेप वाले हैं इसीलिए नाम लिखा है नाइट्रो नाइट्रोबेसिलस नाइट्रोकोकस मतलब उसका शेप स्पेरिकल होगा इसीलिए नाइट्रोकोकस ओके चलो थर्ड कैटेगरी ऑफ कैमोटोट्रोफ्स एंड दैट इज़ अ यूजिंग आयन एज देर एनर्जी सोर्स ओके तो यहाँ पर वो फैरस आयन का कन्वर्जन फेरिक आयन में करते हैं जिससे उसको क्या मिलता है एनर्जी मिलता है ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे फैरोलस फिर से रिपीट करती हूँ कि यहाँ पर वो जो फेरस आयन होता है उसका कन्वर्जन फेरिक आयन में करेंगे और क्योंकि उसका शेप रोड जैसा होता है तो दैट इज़ द फोबैसील ओके लास्ट वन कैटेगरी यहाँ पे दे आर यूजिंग द सल्फर एज देयर एनर्जी सोर्स और दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन थाओबेसीलस थायो बेसिलस एज यू नो द शेप इज अ रोड एंड दैट्स वाई दे आर थायोबैसिलस। तो मेजरली ये दो हम लोगों ने कैटेगरी डिस्कस की अभी नेक्स्ट है ऑनवर्ड्स है वो कैटेगरी एकदम ईजी आती जाएंगी क्योंकि आप थोड़े बहुत उससे अवेयर होते हो दैट इज़ अ सेप्पर ये लार्जेस्ट मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है क्योंकि मोस्टली दे आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर और वहाँ से अपना जो मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है वो शुरू होता है यहाँ पे वो सेप्रोबिक बैक्टीरिया सेप्रोबिक बैक्टीरिया क्यों क्योंकि सम वॉट इट इज़ अ सेमी लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस होगा सेमी फ्लूड फॉर्म में होगा जिसका वो फूड के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल इंसिडोमोनाज एंड मिथेनो बसीलस क्योंकि यहाँ पे वो मिथेन गैस को रिलीज करने वाले हैं तो दे हैविंग अ शेप ऑफ़ द बेसीलस और रोड शेप तो नाम दिया है मिथेनो बेसिलस चलो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द सेप्रोबिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ द सिम्बाटिक माय डियर स्टूडेंट्स एज आई टोल्ड यू इन दिस काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था राइजोबम बैक्टीरिया एंड लेग्युमिनस प्लांट लेग्युमिनियस प्लांट मतलब यहाँ पे जो लेग्यूम मतलब जिसका पोड होता है मतलब मग वाल वटाना चना ये जो सभी plants है ना उसके उसको शिंग आती है और वो शिंग के अंदर सीड्स होते हैं इसीलिए उसको लेग्यूम बोला जाता है उसके जो फ्रूट्स है ना उसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में लेग्यूम्स बोलते हैं इसीलिए ये plant का नाम है लेग्यूमिनस प्लांट ये जो प्लांट्स होते हैं उसका रूट सिस्टम एकदम डेवलप्ड होता है एज आई टोल्ड यू और वो रूट सिस्टम के साथ ये बैक्टीरिया नोड फॉर्मेशन करते हैं इसीलिए रूट सिस्टम मैंने आपको समझाया था कि वो रूट सिस्टम के अंदर क्या करते हैं चलो फिर से एक बार देख लेते हैं कि दिस इज़ द प्लांट बॉडी ओके एंड ये इसका रूट सिस्टम है ओके okay? और ये रूट सिस्टम पे जो लेग्यूनियस बैक्टीरिया है मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया है वो ऐसे अटैच हो जाते हैं जिससे क्या होता है कि ये बैक्टीरिया को एक शेल्टर प्रोवाइड हो जाता है ओके और ऐसे लाइकवाइज़ ओके फिर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं एटमोसफियर का जो फ्री नाइट्रोजन होता है मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन तो ऐसे सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन है इट इज़ प्रेजेंट इन द एटमोसफियर पर कोई भी प्लांट उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा ये जो नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन एनओ माइनस एंड एनओ थ्री माइनस में कन्वर्ट कर देंगे और इसको इस्तेमाल करके ये जो बैक्टीरिया है वो आसानी से अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं तो दिस काइंड ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे दोनों का ही फायदा है तो इसको हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसा बोलेंगे सो माई डियर स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू टेक अ एग्जाम्पल हियर दैट इज़ अ राइजोबियम एजेटोबैक्टर फ्रेंकिया एंड ई कोली जैसे मैंने आपको बताया था ई e. कोली हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाला बैक्टीरिया है जो अनडाइजेस्टेड uh, फूड होता है उसको डाइजेस्ट करके उसमें से विटामिन बी एंड के कॉम्प्लेक्स को रिलीज़ करते हैं फाइन चलो नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं यहाँ पे सॉरी uh, उसमें नॉस्टॉक uh, का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है सिम्बाटिक एसोसिएशन के अंदर जो एक फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक प्रोसेस करता है और यहाँ पे दूसरे को फूड है वो प्रोवाइड किया जाता है थर्ड कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया है दैट इज़ अ पैरासाइटिक एस आई टोल्ड यू ये जो पैरासाइटिक मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन है उसमें वो लोग सिंपली क्या कर लेते हैं ये बैक्टीरिया हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर डिसीज़ फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओके हमारे बॉडी को वो होस्ट बॉडी के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं शेल्टर लेते हैं और डिसीज़ भी कॉज करते हैं इसीलिए इसको पैरासाइटिक बैक्टीरिया बोला जाता है जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है टाइफोइड का जो हमें टाइफोइड होता है वो सालबोलेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है दूसरा एग्जाम्पल है न्यूमोनिया अभी जो कोरोना चल रहा है उसका भाई निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया ये बैक्टीरिया है जो लंग्स को इन्फेक्टेड करते हैं टीबी टीबी हमें होता है ट्यूबरकुलोसिस से और साइट्रस कैंकर ये एक प्लांट में होने वाला साइट्रस मतलब लेमन नींबू बराबर वो जो नींबू होते हैं उसके प्लांट में लगने वाला डिसीज़ है जो बैक्टीरिया से होता है जिसका एग्जाम्पल है जेंथोमोनास साइट्री जेंथोमोनास साइट्री जेंथो इज़ द नेम ऑफ द बैक्टीरिया एंड उससे होने वाला डिसीज उसका नाम है साइट्रस कैंकर ओके सो फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव टू नॉट इन योर फेयर नोटबुक विथ अ कंप्लीट प्रॉपर हैंडराइटिंग ओके स्टूडेंट्स